ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रहा बा कि नीतीश कुमार वो जगह पर आके पहुंच गए बड़े जहां तेजस्वी यादव उनका से छीन लिए कुर्सी और छोटा बेटा के आगे बढ़ाना ये लालू प्रसाद के रणनीति के हिस्सा रहे। केजरीवाल के हाथ धो के वो मंच पर ये बात साबित कैले कि लालू प्रसाद कोनो तरह के राजनीति कर सकेले। नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ा तो जरूर बाई लेकिन प्रधानमंत्री बने के उनकर जो इच्छा बा वो शायद नइखे अब रह गई कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अपना घटक दल के एक हाली जब बाहर कर देला तो दोबारा वापस ना लेवेला। जुगनू के महफिल में चर्चा सरेआम बा, जुगनू के महफिल में चर्चा सरेआम बा, सूरज के हरावे खातिर मचल संग्राम बा। गोड़ातनी हेरा से अभिनंदन बरुआ लोग के खूटा ठोक पर जो लाइन बोलनी है हमार ना आज फिर हम दूसरा जगह से लेके आयल बनी ये नमन मिश्रा जी के लाइन है और ये लाइन आखिर आवे के कारण का भइल एगो चर्चा होते रहे। उस चर्चा में जब बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और खास करके जब केंद्र से बिहार के टकराव के बात हो रहा बा तोना घड़ी के साथे आई रुआ गाँव ग्राम में देखले हो कब कि जब मारपीट होला तो के लौर लेके रुआ साथे खड़ा होला उकर नोट होला दू का सुख दोनों बेरा जे रुआ संगे खड़ा होला उहे राउर आपन कहाला। बिहार में भी आपन बनावे के कोशिश चल रहा बा और एक कोशिश में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में नीतीश कुमार के आगे बढ़ावे खातिर जौन कार्यक्रम चल रहा बा जौन रणनीति बन रहा बा ओकरा के लेकर के आज के चर्चा और वो चर्चा में कैसे कैसे जुगाड़ जुटावे की कोशिश हो रहा बा एकरे पर लोग से आज बातचीत करब और ये बातचीत में आखिर चाभी के करे लगे बा। बिहार में अक्सर चाभी के चर्चा खूब होला कारण कि 2005 में चाभी के करे लगे रहे रुआ लोग जानता नहीं, 2020 में चाभी केकरा लगे रही हो जानता नहीं, 2015 में चाभी केकरा लगे रही हो जानता नहीं, 2010 में चाभी केकरा लगे रही हो जानता नहीं और 2013 में नीतीश कुमार जब एक लंबा संबंध के तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी से फरका भैले ओहू घड़ी चाभी केकरा लगे रहे इरुआ जानता नहीं। ये चाभी नीतीश कुमार के लगे कम लेकिन दूसरा के लगे ज़्यादा रहल बा और एक बावजूद भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बाड़े ये नीतीश कुमार के ही हुब के बात बा। लेकिन एक बात पक्का बा कि नीतीश कुमार अपना दम पर कुछो ना कर सकले, अपना दम पर 2014 में लड़े के कोशिश कैले रहन तो चारों खाने चित हो गई रहन। 2014 में अगर लालू प्रसाद चाह दीते तो नीतीश कुमार के नाम प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी तक जरूर पहुंच गए रही थे लेकिन ओ घड़ी लालू प्रसाद के सबसे पहला जो बिहार के राजनीति रहे ओकरा के साधे के रहे। लालू प्रसाद तर्जुई बटखरा ले करके आ यह बात के कोशिश कैले रहन कि कौना पलड़ा पर का रखे के बा, नीतीश कुमार के अगर भसा दिया तब तो नीतीश कुमार तनी हेट हुई हैं। 2014 के चुनाव में अकेले नीतीश कुमार के छोड़ करके लालू प्रसाद ये बात के एहसास करा दिले कि बिना लालू के या बिना केहू के सहयोग के नीतीश कुमार सुनने वाले। 2015 में नीतीश कुमार के मजबूरन महागठबंधन के मुखिया बने के पड़ल और मुखिया बनौले भी लालू प्रसाद, वो घड़ी उनका अपना बाल बच्चा सबके सेट करे के रहे और बिहार के राजनीति में नया शुरुआत करे के रहे। एकरा से अलावे लालू प्रसाद के राजनीति रुआ समझे के बात यह बात समझ सकिले कि बड़ बेटा के होते हुए छोटका के राजगद्दी दिलवाना और छोटा बेटा के आगे बढ़ाना ये लालू प्रसाद के रणनीति के हिस्सा रहे कारण कि उनका यह बात के एहसास रहे कि तेजस्वी यादव के वो आगे बढ़ी हैं तो तेजस्वी यादव सीख पढ़ के और उनका राजनीतिक जो जमीन बा ओकरा के और बढ़िया से सो कोड़ के ऊपर फसल उगा दी हैं। आज तेजस्वी यादव लायक हो गिल बाड़े और एकरा के लेकर के चर्चा जबरदस्त ढंग से तेजस्वी यादव के देश भर में चल रहा बा। अब जब नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनावे के बात चल रहा बा दोनों में तेजस्वी यादव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो गई बा। लेकिन ये सारा भूमिका में एक बात सबसे महत्वपूर्ण बा वही बा कि नीतीश कुमार के उम्मीदवारी के जौन अर्जी बा कागज बा आवेदन बा वो लालू प्रसाद के कोर्ट में जा कर के अझुराइल बा। लालू प्रसाद जब तक ले ऊपर हस्ताक्षर ना करिए तब तक ले नीतीश कुमार के इरुआ बूझ के चली कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी संशय में बा, भले वो जितना छटपटा ले जितना उनका पार्टी के लोग हुले ले कह ले कि प्रधानमंत्री बनाइए के मानव जा
40 गो सीट जीत जाए के बाद 40 सीट पहरा दे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये सब कुछ हो ही कैसे इवा समझता नहीं कि नीतीश कुमार जौन आवे वाला 17 साल में अपना बदौलत सरकार तक ना बना पौले, वो लोकसभा के चुनाव में बिहार के 40 के 40 सीट जीत जी हैं, एकरा पीछे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे नीतीश कुमार के पूरा दारोमदार लालू प्रसाद पर बा। उनका यह बात के एहसास बा कि MOI समीकरण अगर उनका साथे जुड़ जाए तो वो बेहतर परिणाम दे सकेले। एकरा साथ इहो बात वो जानता रहे कि अगर लालू प्रसाद चाह दी हैं तो उत्तर प्रदेश उनका साथे खड़ा हो सकेला, अगर लालू प्रसाद चाह दी हैं तो झारखंड उनका साथे खड़ा हो सकेला, और इस सब जब खड़ा हो जाए तो निश्चित रूप से बंगाल भी लालू प्रसाद के चाहला से खड़ा हो जाए। कारण कि ममता बनर्जी के बिना शर्त समर्थन करके एगो एहसान पहले ही से कर चुकल वाले, और ममता बनर्जी वर्तमान परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ा तो जरूर बाई, लेकिन प्रधानमंत्री बने के उनकर जो इच्छा बा वो शायद नहीं के अब रह गई। कारण कि अगर ये इच्छा रहित तो प्रशांत किशोर के वो फरका ना कैले रहती और प्रशांत किशोर के भूड़ी ना छटकौले रहती। प्रशांत किशोर बिहार में अलग अलग जगह घूम करके पूरे बिहार के दौरा करता और जनसुराज के नाम से लोग के जगावे की कोशिश करता, लेकिन ये सारा प्रक्रिया के अगर देख ली रुआ, अगर सब कोई मिल भी जाए तो बे लालू प्रसाद के नीतीश कुमार के PM उम्मीदवारी के ममिला अझुराई ले रही। केसी आ रही ले कल देखबे कहने कि जब के चंद्रशेखर राव अले तो कैसे कैसे पूरा कार्यक्रम भाई, नीतीश कुमार जाकर उनका के रिसीव कैले, हालांकि प्रोटोकॉल से अलग जाके वो कैले, एक मुख्यमंत्री दूसरा मुख्यमंत्री के रिसीव करे गई, रिसीव करके ले अले। उनका मन में ये बात रहे कि चंद्रशेखर राव वहीं हैं तो नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में समर्थन करी हैं, लेकिन ये चर्चे ना भइल। मुख्य चर्चा जाना खातिर नीतीश कुमार पहले ही से सेहरा बांध के बैठा रहन, अचानक से केहू नोच लिया, और यह कारण रहे कि वो मीटिंग के दौरान वह देखले होकर कि नीतीश कुमार को हाली पराए के फेरा में रहन और KCR उनका हाथ धोकर रुकत रहन। यही मामला अझुराइल, और मामला अझुराइला के बाद सीधे जो इजलास बड़ुए लालू प्रसाद के ओजा पहुँचल, KCR ओजा पहुँच रहे, और KCR के पहुँचला के बाद ही पूरा कार्यक्रम कहीं ना कहीं प्रायोजित रहे, और प्रायोजन तेजस्वी यादव के द्वारा भई रहे। कारण कि एकरा पहले तेजस्वी यादव जा करके और मुलाकात कैले रहन KCR से, और पूरे विषय पर चर्चा भी कैले रहन। अब एजा आके मामला ये हो जाता कि जब तक ले नीतीश कुमार पूरी तरह से बिहार तेजस्वी यादव के हाथ में ना सौंपी हैं तब तक ले लालू प्रसाद लगाम ढीला ना करी हैं, और यह कारण बा कि जना के ले करके नीतीश कुमार भी इस बात समझता रहे। अब नीतीश कुमार के सामने सांप छुछुंदर वाली हाल बा, का करस हूँ, लेकिन एक बात पक्का बा कि नीतीश कुमार के ये अंतिम दौर चल रहा बा मुख्यमंत्री के कुर्सी खाती, एकरा बाद चाह के भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी के दावेदार उम्मीदवार ना रह सकेले। कारण कि एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जोन कैले ओकरा के लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नो एंट्री के बोर्ड लगा देले बा, और ये नो एंट्री के बोर्ड तेजस्वी वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नो एंट्री के बोर्ड होला। रुआ के पहलू बता चुकल बनी कि भारतीय जनता पार्टी NDA के अपना घटक दल के एक हाली जब बाहर कर देला तो दोबारा वापस ना लेवेला। कारण कि ना तो वो लायक रह जाले और ना उनका के में कुछ बाचेला, पूरा निचोड़ के सीटी उनकर खाली छोड़ देला। ये बात बा कि जब JP नड्डा बिहार में अले और कार्यक्रम के दौरान जब कहले कि क्षेत्रीय दल लगभग समाप्त हो जाइए तो नीतीश कुमार के झटका लागल, और वजह से नीतीश कुमार रात फैसला कैले कि उनका पाला बदले के बा। ये सारा विषय पर अब एक जगह जाके मामला अझुराइल बा कि नीतीश कुमार का फैसला करता रहे। हालांकि नीतीश कुमार के जौन सलहिया लोग बा इर्द गिर्द उनका जौन परिक्रमा करता लोग, वो गणेश परिक्रमा करे वाला के लोग के भी मन बा कि नीतीश कुमार बिहार के गद्दी तेजस्वी यादव के सौंप के और केंद्र के राजनीति में चल जा। नीतीश कुमार के लगे ऑप्शन भी है बाचल बा, अगर उनका महागठबंधन के साथे रहे के बा और पुनः भाजपा के साथ नइखे जाए के, तो उनका लगे रास्ता एक गो बा, और वो रास्ता बा कि वो लोकसभा के तैयारी करस और केंद्र के राजनीति में अपन पदार्पण करे के कोशिश करस, चाहे जौना रूप में होके।
प्रधानमंत्री के रूप में भी उनका के लालू प्रसाद तभी प्रमोट कर सकले जब तेजस्वी यादव के हाथ में पूर्णतः बिहार सौंप के जास। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रहा बा कि नीतीश कुमार वो जगह पर आके पहुंच गए बड़े जहां तेजस्वी यादव उनका से छीन लिए कुर्सी। तेजस्वी यादव के लगे वो आंकड़ा आ गया बा हाथ में जौना से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के डर लागता और ये डराए के चाहिए भी। ये पूरे विषय पर अगर वह खोल के देख ली पन्ना पन्ना हिगरा के देखी तो एक बात रुआ लोग पता चल जाए कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में जौन 36 के आंकड़ा रहा ओकरा के जोड़े के कोशिश नीतीश कुमार के तरफ से ज़्यादा हुई। लालू प्रसाद तो साफ कह दिल रहन और लालू प्रसाद याद हुई रुआ लोग के कि अपना किताब गोपालगंज टू रायसीना में साफ तरीका से लिखले बड़े कि जब 2017 में नीतीश कुमार एनडीए के खेमा में गई रहन तो ना घड़ी कई हाली हमरा से वापसी खाती आग्रह अनुनय विनय करवले रहन आदमी भेज के मैसेंजर अपन भेज करके और संदेश दे रहन कि हम वापसी कर चाहते हैं लेकिन हम ना ले आई नहीं। अब की हाली भी जब लालू प्रसाद बिहार अले पटना अले तो नीतीश कुमार से मुलाकात के समय सबसे पहला बात वो कहले ना दंड ना प्रणाम सीधे उनका आशीर्वाद के रूप में यह कहले। लालू प्रसाद जब प्रणाम कैले नीतीश कुमार लालू प्रसाद के तो साफ तरीका से कहले कि देख भाई अब की हाली ने उन्हें मौत करी है और ये बात निश्चित रूप से बड़ा बात बा कारण कि लालू प्रसाद अब के दही के टीका लगाई हैं तो ये बात कन्फर्म करके लगाई हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ जी हैं। जहिया नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं वही दिन लालू के इजलास से नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री वाला जौन कागज बा आवेदन बा ओकरा पर हस्ताक्षर हुई और ये हस्ताक्षर हुई तो एक बात रुआ मान के चली कि कांग्रेस इतना सब कुछ भइला के बाद भी कांग्रेस लालू प्रसाद के साथे अभी बा वाम दल उनका साथे बा एकरा अलावा जीतन राम मांझी भी साथे बा रहस्य अहमत रहस्य से अंतर भी नहीं के पड़े के। एकरा अलावा देश के अलग अलग जौन राज्य बाड़े रुआ याद हुई कि 2015 में जब शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होते रहे तो लालू प्रसाद 36 के आंकड़ा रखे वाला केजरीवाल के हाथ धो के वो मंच पर बात साबित कैले कि लालू प्रसाद कोनो तरह के राजनीति कर सकेले। जब एक पूरा देश सोनिया गांधी के विरोध में खड़ा रहे तो लालू प्रसाद रहन कि जो सदन में डकर के कहले रहन कि सोनिया गांधी देश के बहू है और इनका सम्मान होके के चाहिए। हमेशा लालू प्रसाद धारा के विपरीत राजनीति कैले बाड़े और एक खाली फिर से एकमात्र ऐसा नेता बाचल बाड़े 1990 के दशक से बाद जौन की पहला हाली दोस्ती कैला के बाद जीवित भी बाड़े भारतीय जनता पार्टी के कोप से मजबूत भी बाड़े और भारतीय जनता पार्टी के एकच नेता बाड़े जौन की हमेशा टक्कर देले बाड़े कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मजबूती के साथ उखाड़ा निकल भइल आ ना वो एलाइज के कभी हिस्सा रहल बाड़े। ये चलते लालू प्रसाद पर कोई ना भरोसा करे इस संभव ही नहीं है। जैसे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अछूत मानेला वही तरीका से लालू प्रसाद भी भारतीय जनता पार्टी के अछूत मानत रह गई। आवे वाला समय में निश्चित रूप से लालू प्रसाद के पहल पर ही नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी सफल हो सकेला और एकरा खातिर नीतीश कुमार के सबसे पहले ई करे के पड़ी कि उनका तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार सौंप के और ओकर बिहार से मोहमाया भंग करे के पड़ी। नीतीश कुमार ये बात के खूब बढ़िया से बुझाता रहे कि लड़ाई में अब वो सिर्फ हिस्सा ले सकेले जीत हार उनका बस में नहीं है कारण के लड़ाई के मुँह मुड़ गिल बा। रुआ लोग से बहुत पहले कहले रहे कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहला ध्येय रहा कि वो मुख्य लड़ाई में अपना के ले आओ नीतीश कुमार के किनारा कर दे और भारतीय जनता पार्टी में लगभग सफल हो गई बा। अभी मुख्य लड़ाई बिहार में जौन बा वो राष्ट्रीय जनता दल बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गई बा और नीतीश कुमार लड़ाई से पूरी तरह से विलोपित हो गई बाड़े। ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के लगे ऑप्शन सिर्फ लालू प्रसाद बाड़े ओकरा अलावे या तो राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेस या फिर भारतीय जनता पार्टी के खेमा में चल जास जौन कि संभव नहीं खेला गत। तो ऐसा स्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लगे सीधा तौर पे तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार सौंप करके और खुद राष्ट्रीय राजनीति में अब चुनाव प्रचार शुरू करे के मौका आ गई बा कारण कि बिहार से आगाज अमित शाह कर चुकल बाड़े और सबसे ज़्यादा कि जो नीतीश कुमार के गढ़ बा ओजा से उनका शुरुआत होता। आज के खुटा ठोक में लोग से एजे विदा ले आशा के साथ है
कि रुवा लोग कमेंट बॉक्स में ये पूरा विश्लेषण के चर्चा जरूर करब। रुवा का सोचता नहीं, का समझता नहीं, जरूर लिखब सब है गोर लागत नहीं।